Thank you.
सर को दिलीप पांडे जी को अक्सर टीवी पे आपको डिबेट्स में चीखते हुए राज्यसभा में लड़ते हुए लोगों की मांगों के लिए नहीं नहीं देखिए चीखना कोई बहुत बुरी बात नहीं है आप अगर मांग के लिए अगर आपको लगता है कि मांग जायज है हमारे मुद्दे जायज हैं तो लड़ाई तो सर महाभारत में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है तो ये सब तो चलता रहेगा दंड में कोई कमी सर लोग नहीं छोड़ते तो मैं चाहूंगा
दो चीजें आश्चर्य कब दूंगा आपको, जब पहले हम सम्मान दे दें। तो मैं चाहूंगा कि वीवी पांडे सर, आप भूखे और जो बिहार की है हमारे पूर्वांचल की प्रसिद्ध जो हमारी पगड़ी होती है वो आप संजय सिंह सर को दें, और पत्रकार महोदय आपसे निवेदन करूंगा, वीवी पांडे पगड़ी जोरदार तालियां सर के लिए। सर ये वाटर ट्रीटमेंट और सौंदर्यीकरण के लिए जो हमने हम लोगों के लिए किया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मंच पर बिना हम लोग के आदेश के नहीं जाएंगे। तो थैंक यू सर। दिलीप पांडे जी प्लीज, राष्ट्रीय प्रवक्ता आप पार्टी के, और एक सेकंड, सॉरी सर, सर इतने सम्मान हम लोग दे रहे हैं कि कुछ चीजें भूल जा रहे हैं, आ गई हैं। तरुणा भाभी प्लीज, अगर आप आस पास हो तो मंच पे आइए प्लीज, मुझे दिख नहीं रही हैं। तरुणा जी, तरुणा वर्मा जी, ये सर एक छोटा सा और भेंट है सर, आज ही मैडम आज तक के साहित्य मंच पे थी सर, और बहुत प्रसिद्ध और आधुनिक नारीवादी विचारक और लेखिका है मैडम, ये भी थे, आप साथ में थे तब, अच्छा हुआ। तो प्लीज, ये सर मिथिला पेंटिंग है आपके ड्राइंग रूम के लिए, हम सबके लिए एक जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच सर। ये छठ घाट जब तक रहेगा सर आप लोग का हम लोग आभारी रहेंगे, और रहेंगे ऐसे भी मित्र हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता आप पार्टी के दिलीप पांडे जी, मैं चाहूंगा अमरेंद्र राकेश जी आगे आइए, हमारे सेक्रेटरी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार दिलीप जी ने लाल नहीं पहना, नहीं तो लाल लाल में मैच कराने वाला था। तो एक बार फिर जोरदार सम्मान सर, थैंक यू, ये सब कुछ किया आप लोगों ने, और पगड़ी, हाँ आज लाल वाले बदल गए हैं, और मिथिला पेंटिंग, हाँ काला पे लाल चढ़ता है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर। एक सेकंड, मिथिला पेंटिंग तो सर ये ड्राइंग रूम के लिए है, एक जोरदार तालियां और फोटोग्राफ्स। मैं निवेदन करूंगा एके दुबे जी प्लीज सामने आए, पंकज सर हमारे तिमारपुर क्षेत्र के विधायक, और प्रखर मतलब जहां भी आपको किसी एमसीडी डीडीए के लोगों से कोई लड़ता हुआ दिख जाए जनता के हकों के लिए, तो आपको ये व्यक्ति आपको दिखेंगे। मैं चाहूंगा एके दुबे जी, कहाँ है हमारे दुबे जी प्लीज पंकज पुष्कर जी को आप सम्मान दें, थैंक यू सो मच, और प्लीज फोटोग्राफी में कोई कमी ना हो सर। ये पगड़ी बानी महाराज कहाँ रोगा भुलाई बने फूल माला में, तरुणा भाभी कहाँ है, दिखी नहीं रही मुझे, कहाँ है तरुणा भाभी, कहाँ है हमें दिखी नहीं रही। थैंक यू सो मच सर। संजीव झा जो बुराड़ी के विधायक हैं, ये विधायक विधायक नहीं है, हमारे भाई हैं, ठीक है ना, जब इनको भूख लगती है वॉक वॉक करते हैं तो झूठ मूठ कर मुद्दे का नाम लेते हैं, लेकिन आते हैं बेसिकली कुछ चाय पानी पीने, ठीक है ना। तो ये दिलीप भाई, पंकज भाई और संजीव भाई को देख के ना, संजय सर आप ही को देख के थोड़ा लग रहा है कि हम लोग और फील कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग ना इसको हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में हल्के में लेना, तीनों को हम लोग थोड़ा हल्के में लेते हैं, प्लीज प्लीज प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करेगा, हल्के में नहीं ले रहे, बाकी मामला घरेलू है। तो मैं संदीप बत्रा जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज संजीव झा जी का आप सम्मान करें, बुराड़ी के विधायक है, देखिए प्यार ऐसा है कि यहाँ कोई इनका वोटर नहीं है, पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट वोटिंग। सर आप पगड़ी बांध पाएंगे, नहीं, और मिथिला पेंटिंग दीजिए, थैंक यू सो मच सर। संजीव भाई हमेशा ये दिन में आके कार्य का मुआयना करके चले जाते थे क्योंकि इनको बहुत जगह जाना होता है, लेकिन आज थैंक यू सर, 3 साल की शिकायतें आपने दूर की। और अब मैं निवेदन करूंगा नीरज पाठक की, भाई आ गए पहले गले लगाइए, गले लगिए महाराज, ये आदमी है ना, चाहे 100 साल सरकारें बदले भोजपुरी मैथिली अकादमी का उपाध्यक्ष ही रहना चाहिए इस समय ना। तो गुरु जी चाहे आप विधायक बन जाए, एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, ये पद मत छोड़िएगा, ये तो समझ लीजिएगा। देखिए
पिछले बार भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, छठ कर रहे हैं। जब भी हमें ये जो हमारे कलाकार बंधु हैं इस भाई के सौजन्य से ही आते हैं, और एक बार इन्होंने, आपको पता है आज कितनी जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन कलाकारों का हम लोग इतने निश्चिंत रहते हैं कि नीरज भाई ने कह दिया कि हम अरेंजमेंट करेंगे तो हम लोग फॉलो अप भी नहीं करते। लेकिन थैंक यू, और राज सर जो आपने सिंगर दिया है इसके लिए अलग से आपको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अद्भुत, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बीच इस समय धर्मेंद्र जी जो एडीएम, आजकल एडीएम भूल जाता हूँ, एडीएम हो गए हैं, ठीक है, साला आदमी इतना जल्दी जल्दी प्रमोशन ले रहा है, जनसंख्या प्रमोशन विकास ऐसे ही होना चाहिए। तो प्लीज एसबीए परिवार के हमारे सदस्य हैं, ए ब्लॉक के निवासी हैं और दिल्ली प्रशासन में, तो मैं चाहूंगा, यस पगड़ी बांधिए, ये हमारे बीच खत्री सर, नमस्कार, पूजा मैम, संजय भाई, देखिए यही तो यही हम लोग की एसबीए की पावर है, थैंक यू सो मच सर। संजय भाई आपने बहुत काम किया हमारे लिए आज, तो थैंक यू सो मच सर। नीरज भाई तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको केजरीवाल साहब कोई बड़ा पद दे तो बोलिएगा ई रही, एकरा अलावा तो थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को कुछ आश्चर्य, आपको शायद पता नहीं होगा, आप में से किसी को शायद नहीं पता होगा कि संजय सर बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। दिलीप भाई के बारे में तो आप जानते होंगे, फेसबुक पे पोस्ट लिखते रहते हैं, बहुत अच्छे सिंगर ये भी हैं। नेहरू विहार में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था आपको याद होगा, रोड पे बैठ के वो गाना तो अलग से सुनना होगा, जो एक गजल इनका अपना लिखा हुआ है वो तो अलग से सुनूंगा। मैं संजय भाई से चाहूंगा कि एक बार हम लोग को इस उत्तर भारत में पूरब ले चले, तो एक बार जोरदार तालियां, हम सब यहीं रहेंगे, बस संजय भाई आगे हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी, एक व्यक्ति देखिए, आज बहुत सारे लोगों से कल मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा। संजय भगत जी हमारे बीच हैं, सॉरी मैं भूल गया सर, प्लीज कम फॉरवर्ड। कहाँ है संजय सर? अरे सर, सर आप ये बताइए क्षमा करने का क्या लेते हैं? तो प्लीज मैं चाहूंगा निर्मा जी प्लीज आगे आइए, आप नहीं जाएंगे मैडम, आप तो जा ही नहीं सकती। तो संजय भगत जी का सम्मान बुके, मिथिला पेंटिंग, और मैडम पगड़ी बांध पाती हैं? नहीं, नारी शक्ति की प्रतीक है हमारी मैडम, जब भी आप इनका फेसबुक खोलेंगे आप पाएंगे कि मर्द बहुत दुनिया के अच्छे लोग नहीं होते, और ये हम लोग को चैलेंज करते हैं कि हम लोग अच्छे बन के दिखाएं। तो सर मैम आपकी आलोचना हमें अच्छा बनाने में मदद करेगी हमेशा, कि दिल्ली को जब तक हम लोग अपने विचारों से अपने आचारों से पवित्र नहीं बना लेंगे तब तक आपका फेसबुक हमें चुनौती देता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि हमारे कलाकार, बस नहीं जो हमारे स्टेज पे लोग हैं, बस थोड़े साइड हो जाएं, क्योंकि शायद संजय सर आपको म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले उन माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम जिन्होंने छठ का ये कठिन व्रत रखा है, और कल आज सूर्यास्त की आराधना की, सूर्य के अस्त होने की आराधना, कल सूर्य के उदय होने की आराधना करेंगी। उन सभी माताओं बहनों को नमन है, प्रणाम है, जिन्होंने ये कठिन व्रत रखा है, उनकी मनोकामना छठी मैया पूरी करें। हम लोग जहां जाते हैं ये काम एक अलग से राजनीति के अलावा शुरू हो गया है जो मिल जाता है, लेकिन मन का काम है इसलिए बुरा नहीं लगता। आप सबका आभारी हूं, बिल्कुल गायक वायक नहीं हूं, और खास तौर से दयानंद झा नाम है आपका, देवानंद झा, मैं पहले भी इनको सुन चुका हूं, उस दिन भी बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, सरस्वती का वास है इनके अंदर, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। ये इंसान के बस की आवाज नहीं है, इतना बढ़िया गाया इन्होंने, लीन हो गए हम लोग तो। शिव का भजन है, उसको अगर आप लोग साथ देंगे तो थोड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय।
पर सुबह